वो मुसलसल सफर करते हुए 6-7 घंटों के बाद हैदराबाद मीरपुर खास से होते हुए उमरकोट पहुंच गया। ड्राइवर ने गाड़ी को एक छोटे से मकान के अंदर जाकर रोका। वहां उनका इस्तकबाल एक उधेड़ उम्र शख्स ने किया, जिसे इस्माइल के साथी ने नूरल कहकर पुकारा था। दिन का खाना वो रास्ते में नहीं खा सके थे। नहा धोकर ताज़ा दम होने के बाद उन्होंने दिन का खाना खाया और फिर इस्माइल का साथी, जिसने इस्माइल को अपना नाम इमाम बख्श बतलाया था, कहने लगा, शाहजी आप चंद घंटे आराम कर लें, यहाँ से मगरब के टाइम निकलेंगे। और इस्माइल सर हिलाता हुआ आरामगाह की तरफ बढ़ गया। गुज़िश्ता रात वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका था और आने वाली रात भी बेआरामी में गुजरने वाली थी, इसलिए उसने सोने में आफियत समझी। उसकी आंख इमाम बख्श के झंझोड़ने पर खुली थी। शाहजी उठो, तैयारी करो, खाना खाकर निकलते हैं। खाने के लिए तो बिल्कुल जी नहीं कर रहा, उसने कसल मंदी दूर करने की गरज से अंगड़ाई ली। अच्छा फिर फ्रेश हो जाओ, चाय पीकर निकल चलते हैं, खाना रास्ते में खाएंगे। हाँ ये ठीक है, इस्माइल ने चारपाई छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो एक मरतबा फिर मंजिल की तरफ रवान दवान थे। इस मरतबा सवारी बदल गई थी और वो बजाय मर्सिडीज़ के एक खुली छत की जीप में सवार थे। ड्राइविंग सीट भी इमाम बख्श की जगह नूरल ने संभाल ली थी। घंटा भर सफ़र के बाद वो पाकिस्तान की सबसे बड़े सहरा थरपारकर में दाखिल हुए। इस्माइल तो रास्ते से बिल्कुल लाइलम था कि उससे पहले उसे कभी कराची से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। अलबत्ता इमाम बख्श की नूरल से होने वाली गुफ्तगू से उसने अंदाज़ा लगाया था कि वो इस रास्ते पर काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुका था। इस्माइल उनकी गैर दिलचस्प बातों से लातअल्लुक होकर सोने की कोशिश में मसरूफ़ हो गया, मगर ये कोशिश बेसूद रही कि ना हमवार रास्ता और जीप की उछल कूद से आदमी सही तरीके से बैठ नहीं सकता था, नींद क्या की जाती। जीप की लाइटें नूरल ने बुझाई हुई थी और फिर सहरा में काफ़ी देर सफ़र करने के बाद एक जगह नूरल ने जीप रोक दी। चलो शाहजी, इससे आगे पैदल सफ़र करना पड़ेगा, उसका गाइड इमाम बख्श जीप से उतरता हुआ बोला। इस्माइल भी उसकी तकरीर में जीप से उतर गया था। इमाम बख्श ने एक स्याह रंग का बैग जीप से निकाल कर कंधे से लटकाया और नूरल को खुदा हाफिज़ कहते हुए वो आगे बढ़ गए। आधा घंटा पैदल सफ़र के बाद इमाम बख्श आहिस्ता से बोला, यहाँ बात करने, खांसने और खनकारने से बिल्कुल परहेज करना, क्योंकि हम पाकिस्तान की सरहद अबूर कर रहे हैं। यहाँ से दाएं बाएं दोनों जानेब पाकिस्तान रेंजर्स के टावर हैं, उनकी पैदल पेट्रोलिंग भी यहाँ से गुजरती है, इसलिए खामोशी और तेज़ी से चलते रहो। इस्माइल ने खामोश रहते हुए इस्बात में सर हिला दिया। रेत पर कदमों की आड़ यूं भी कम सुनाई देती है। दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर इस्माइल को रोशनी चमकती हुई नज़र आ रही थी, जो लाजमन रेंजर्स चौकियों में जलने वाली लाइटों की थी। बस अब ख़तरे से बाहर हैं, इमाम बख्श सुकून का सांस लेते हुए बोला। क्यों, इंडियन बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया है क्या? इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। नहीं, लेकिन उनसे बातचीत हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब बहुत वाजे है, हम स्मगलरों के रूप में सरहद पार कर रहे हैं। ये बैग देख रहे हो ना, उसने काला बैग इस्माइल की नज़रों के सामने लहराया, इसमें थोड़ी बहुत मंशियात है ताकि हम पर कोई शक न कर सके। स्मगलरों के लिए यूं भी जवानब की सरहदें खुली हुई हैं, मगर आप तो पाकिस्तान की सरहद अबूर के बाद कह रहे थे कि अब हम खतरे की हदूद से निकल आए हैं। हाँ, क्योंकि उस दफ़ा नूरल टाइम की कमी की वजह से पाकिस्तान रेंजर्स के सरहदी मुआवजों से डील नहीं कर सका था। अलबत्ता भारत में मौजूद आदमी ने हमारे मुतल्लिक इतला दी हुई है, इमाम बख्श ने इस्माइल का शक रफा करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो कांटेदार तार की एक ऊंची बाड़ के करीब पहुंच गए थे। आम हालात में उस सारी तार में करंट दौड़ाया जाता है, इमाम ने सरगोशी की, लेकिन आज ये किलोमीटर भर का टुकड़ा उससे मुस्तस्ना रखा गया है हमारे लिए, इस्माइल मुस्तफसर हुआ। बिल्कुल, कहते हुए वो एक मखसूस जगह पर तार के करीब बैठ गया। पहले जेब से टेस्टर निकालकर उसने तारों में करंट की गैर मौजूदगी की तसल्ली की और फिर बैग से दास्तानों का जोड़ा निकालकर हाथ में पहनते हुए उसने तार को मखसूस अंदाज से खोलना शुरू कर दिया। उस जगह शायद पहले से खुफिया गुजरगाह बनी हुई थी। चंद मिनट में इमाम बख्श ने इतना रास्ता बना लिया कि वो आसानी से वो बाड़ अबूर कर गए। बाड़ को अपनी पहली हालत में लाने के बाद इमाम बख्श इस्माइल को लिए आगे बढ़ा। चंद मीटर के फासले पर एक और बाड़ थी, उसको भी उन्होंने पहली बाड़ की तरह अबूर किया। आधा घंटा मजीद पैदल चलने के बाद वो रेत के एक टीले के पीछे छुपी हुई जीप तक जा पहुंचे। इमाम बख्श ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी से बोला, हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं, वो जवाबन बोला, बल्कि 10 मिनट पहले ही पहुँच चुके हो। तो फिर
चलो। इमाम बख्श उसके साथ बैठ गया और इस्माइल उसकी देखा देखी अगली नशिस्त पर बैठ गया। रास्ते में इमाम बख्श ड्राइवर के साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर मैवे गुफ्तगु रहा, जबकि इस्माइल उनकी गुफ्तगु से लातल्लुक आने वाले दिनों के ख्याल में खो गया। आध पौन घंटा मजीद सफर के बाद वो पुख्ता रोड पर चढ़ गए और रोड पर चढ़ते ही ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी थी। रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, मगर सहरा के मुकाबले वो बहुत बेहतर था। उस रोड पर तकरीबन 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर ने एक मरतबा फिर गाड़ी कच्चे में उतार दी। इस दफ़ा चंद किलोमीटर चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी इमारत के करीब पहुंचे। अजीब बात यह थी कि उसके करीब कोई दूसरी आबादी नज़र नहीं आ रही थी। वो इमारत बहुत ज़्यादा वसी थी, इतनी कि उसे आसानी से पुराने ज़माने का कोई किला कहा जा सकता। चौकीदार ने उनकी शनाख्त के बाद इमारत के बड़े गेट का एक पट खोल दिया। उनकी जीप आसानी से अंदर दाखिल हो गई। इमारत के वसी सैन के एक कोने में गाड़ियों की पार्किंग की जगह बनी हुई थी। उसमें दो जीपें और एक कार पहले से खड़ी हुई थी। उनके ड्राइवर ने भी गाड़ी वहीं रोकी और नीचे उतर गए। इस्माइल को साथ लेकर इमाम बख्श अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत के सैन में वक्फे वक्फे से लगे बल्ब अपनी जर्द रोशनी बखेर रहे थे। सुबह होने को है, फिलहाल आराम करते हैं, जागने पर आपका तारों को मुलाकात सबसे करा लेंगे। ठीक है, इस्माइल ने कहा कि उसने तो यूं भी अपना आप उनके हवाले किया हुआ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।